गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हम आज का हमारा टॉपिक है विश्व युद्ध के बाद की प्रवृत्तियाँ। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता है कि 20वीं शताब्दी में हमारे इस विश्व में दो बड़े महायुद्ध हुए, प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध। इन दोनों महायुद्धों से विश्व के राजनीतिक भौगोलिक मानचित्र में बहुत बड़ा बदलाव आया। बहुत ही लंबे समय से जो एक वर्चस्वशाली राष्ट्र थे उनका पतन हुआ। बहुत कुछ घटनाक्रम बदला अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक ही समय में, एक ही शताब्दी में और बहुत ही कम अंतराल में दो विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। आप देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक और द्वितीय 1939 से 45 तक चला। लेकिन इन विश्व युद्धों ने विश्व के बहुत बड़े घटनाक्रमों तथा विश्व के कई लोकतांत्रिक देशों में बहुत बड़ी स्थितियों में परिवर्तन किया। आज की कक्षा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्योंकि अब हम सैद्धांतिक राजनीति से व्यवहारिक राजनीति की ओर मोड़ रहे हैं, अर्थात जो कुछ घटनाक्रम हुआ उन सभी के बारे में हम विश्लेषण करेंगे। हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सैद्धांतिक पक्ष था उसका हमने अध्ययन कर लिया है, अब हम व्यवहारिक राजनीति की ओर मुड़ रहे हैं। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों में हम विश्व युद्ध के बाद की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए विशेषकर हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें न कि प्रथम विश्व युद्ध। लेकिन इस विश्व युद्ध को समझने के लिए सबसे पहले कुछ इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहेंगे। ये जानने की अपन प्रयत्न करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके ऐसे क्या कारण थे, क्यों युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद क्या उसका परिणाम रहा और फिर विश्व की स्थिति कैसी रही, इन सब को आज की कक्षा में हम समझेंगे। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ इसके जो प्रमुख कारण हैं, एक तो ये चीज़ है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 और 18 में जो इसकी समाप्ति होती है तो 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन संपन्न होता है। कहा तो ये भी जाता है कि इस पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मतलब बीज बो गए थे, अर्थात उसमें पृष्ठभूमि बननी शुरू हो गई थी। फिर पेरिस शांति सम्मेलन जो 1919 हुआ इसके साथ बाद में अपन देखते हैं जो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1920 में, एक कमजोर लीग ऑफ नेशन इसकी जो स्थापना हुई थी, इसमें जब अमेरिकी जैसी महाशक्ति भी इसके मेंबर नहीं थी और एक ढीला ढाला सा संगठन था, कमजोर संगठन था। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्र संघ की स्थापना होने के साथ थी 1931-32 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर लिया और हम सभी को पता है जब हम नाजीवाद का अध्ययन करते हैं तो 1933 में हिटलर ने जर्मनी के शासक बन गए। इतनी जो जर्मनी है राष्ट्र वहाँ के जो हिटलर तानाशाह शासक बन गए और इस प्रकार से होते होते इटली जापान और जर्मनी अर्थात रोम बर्लिन और टोक्यो, रोम बर्लिन टोक्यो एक धुरी बन गई। तो आप कह सकते हैं एक प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से जो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ तक बीच में जो कालक्रम घटनाक्रम हो रहा है आप समझ सकते हो कि बहुत ही निकट भविष्य में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। फिर हम सबको पता है कि 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण के साथ ही द्वितीय युद्ध शुरू हो गया।
मैं ज़्यादा इसमें गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अपन को सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी लेते हुए आगे बढ़ना है, न कि हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इन सब कारणों से अपन देखते हैं कि द्वितीय विश्व की शुरुआत हुई। अब देखो ये खैर प्रश्नभूमि थे, अब कारण कुछ ऐसे थे कि जो वर्षा की संधि हुई थी, अब वर्षा की संधि में इतनी शर्तें रखी गई थी कठोरतापूर्वक कि उनको निभाना बहुत मुश्किल हो रहा था। साथ ही साथ सामूहिक सुरक्षा का पतन हो गया था, यानी राष्ट्र संघ का अमेरिका जैसे जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का मैंने आपको पिछले कक्षा में कंसेप्ट बताया, अब सामूहिक सुरक्षा के लिए जो राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना की थी 1920 में, अब सोचो कि कमज़ोर इसलिए था क्योंकि इसमें अमेरिका खुद सदस्य नहीं था, जबकि इसके निर्माण का जो श्रेय है वो खुद अमेरिका को जाता है। अमेरिका के वुडरो विल्सन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी कि हम एक लीग ऑफ नेशन बनाए, राष्ट्र संघ बनाए जो विश्व में शांति बनाने का काम करेगा, सुरक्षा बनाने का काम करेगा। लेकिन खुद अमेरिका निर्माण में आगे रहते हुए लेकिन सदस्य नहीं बन पाया, तो एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह पैदा होता है कि ये कैसे किस प्रकार से संभव हो पाएगा। इस प्रकार से दूसरी राष्ट्रों ने जो तुष्टिकरण की नीति अपनाई, तथा हिटलर मुसोलिनी जैसे सर्वसत्तावादी शक्ति का उत्कर्ष और उनकी महत्वाकांक्षाएं, यह भी इस द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में प्रमुख भूमिका निभाई। जापान एशिया का, इटली अफ्रीका का और जर्मनी यूरोप का स्वामी बनना चाहते थे। अब जापान ये चाहता था कि एशिया में मैं सब कुछ प्रमुख बना, इटली है वो पूरे अफ्रीका पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था और जर्मनी है वो यूरोप पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। तो इनकी महत्वाकांक्षा देखिए, अति महत्वाकांक्षा ही इनको ले डूबी। फिर निःशस्त्रीकरण के जितने प्रयास हो रहे थे वो सब कुछ असफल हो रहे थे, यानी निःशस्त्रीकरण के जितने भी प्रयास हो रहे, समझौते हो रहे थे, संधियाँ हो रही थी, उनमें असफलता मिल रही थी। और दूसरा, दो प्रतिद्वंदी सैनिक गुटों का उदय हो गया, एक तो देखो आप जर्मनी इटली जापान, जर्मनी इटली जापान अर्थात रोम बर्लिन टूट की दूरी भी कह सकते हैं, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन फ्रांस सोवियत संघ और अमेरिका, इनको प्राय मित्र राष्ट्र कहते हैं, ये आपने पिछली कक्षा में खूब पढ़ा होगा, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र कौन है? ब्रिटेन फ्रांस सोवियत संघ और अमेरिका। अब इन दोनों ही गुटों के मध्य एक प्रकार से मतलब तनावपूर्ण स्थिति बन गई। दूसरा, हम सभी को पता है कि एक बहुत बड़ा इस दौर में 1930 के आसपास बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट भी आया, बहुत बड़ा सदी का आर्थिक संकट आया। साथ ही साथ साम्राज्यवादी भावनाएं, विभिन्न अल्पसंख्यक जातियों का असंतोष बढ़ रहा था और इस प्रकार पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। तो हम सब देखते हैं कि इन उपरोक्त कारणों के आधार पर बहुत बड़ा विश्व में परिवर्तन आया। 1939 से 1945 तक ये द्वितीय विश्व चलता रहा। तो इतने लंबे काल के बाद अब इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, विश्व के समक्ष जो प्रवृत्तियाँ हुई, विश्व का जो मानचित्र बना, विश्व का जो राजनीतिक स्वरूप दिखाई दिया, वो सब हम एक एक करके उसके परिणामों के तौर पर और नवीनतम जो प्रवृत्तियाँ उभरी उनका एक एक विश्लेषण हम करेंगे। तो देखिए, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में जाकर हम समझने का प्रयास करेंगे तो ये हम सब कुछ अच्छे ढंग से समझ में आ जा सकेगा। तो देखो, सबसे पहले विश्व युद्ध के बाद की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें पहला देखा जाए तो पहला है यूरोपियन प्रभुत्व का अंत। बहुत बड़ी घटनाक्रम, यूरोपियन प्रभुत्व का अंत, अर्थात जो आज कितने वर्षों से यूरोप महाशक्ति का केंद्र बना हुआ था उसके प्रभुत्व को बिल्कुल चुनौती मिली और समाप्त हो गया। आप देखते हैं कि विश्व में जो शक्ति का केंद्र था वो यूरोप था, अमेरिका भी नहीं था उस समय था, ठीक है, और भी विश्व के अन्य कोनों से कोई राष्ट्र इतना सक्षम नहीं था जितने यूरोपीय शक्ति अपने आप प्रभुत्व पूरे विश्व में चला रही थी। तो आप देखते हैं कि ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी इटली इन सब का बिल्कुल प्रभुत्व अंत हो गया, मतलब इस युद्ध में अनवरत रूप से लड़ते 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 बिल्कुल कंगाल और बर्बादी पर आतुलित है। अर्थात इनका अभी जो उनकी ताकत थी विश्व के अन्य देशों में, स्वयं की ताकत और तीसरी दुनिया के देशों पर जिन पर इन लोगों ने अपना उपनिवेश बना रखा था, वहाँ पर ये बिल्कुल बर्बाद के कगारी पे खड़े हो गए थे। तो समझ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोपीय महाशक्तियाँ थी, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो,
चाहे जर्मनी हो, इटली हो, ये सभी देश बिल्कुल आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल मजबूर हो गए थे, दयनीय स्थिति हो गई थी, खुद अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम नहीं थे, बिल्कुल उनकी हालत है चाहे आर्थिक हो और भी अन्य कारण से बिल्कुल बर्बादी के कगार पर खड़े हो गए थे, कि अनवरत रूप से युद्ध में लगे रहने से ये बहुत ही कमज़ोर राष्ट्र हो गए थे। अब इनकी ताकत नहीं रही कि विश्व के अन्य देशों पर, तीसरी दुनिया के देशों पर यहाँ किसी भी युद्ध के मोर्चे पर खड़े होकर युद्ध लड़े या अपना प्रभुत्व जमाए। इनकी मजबूरियाँ हो गई थी कि अब धीरे 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 करके हम हमारे जितने उपनिवेश हैं उन सबको छोड़ दें और अपने ध्यान राष्ट्र पर दें। यही नहीं, हम सभी को पता है जब आगे हम क्षेत्रीय युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये खुद अपने पैरों पे खड़े होने के लिए सक्षम नहीं थे, तो अमेरिका के द्वारा विभिन्न प्रकार से सहायता ली गई, कई प्रकार के पुनर्निर्माण पुनरुद्धार के कार्यक्रम चलाए गए, वहाँ से बाह्य सहायता पर निर्भर हो गए। अब इनकी स्थिति ऐसी नहीं रही कि वो खुद अपनी सहायता खुद कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी जो प्रवृत्ति दिखाई देती है कि जो आज पिछले लगभग यूँ आप समझें कि 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी जो 500 वर्षों तक जो बोलबाला था यूरोप का, जो यूरोप की पूरी दुनिया में तुती बोलती थी, अब वो बिल्कुल ख़त्म से हो गई, उसका अंत हो गया। अब बिल्कुल इस स्थिति में नहीं रहे कि किसी को चैलेंज दे सकें, चुनौती दे सकें, किसी को युद्ध कर सकें, मतलब इनकी कह सकते हैं कि हालत बेहद कमज़ोर हो गई, बहुत ही हालत इनकी पतली हो गई थी। अब अपने प्रभुत्व नाम से उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा था। तो समझ सकते हैं कि इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपियन प्रभुत्व का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया, पहला। दूसरा देखते हैं कि इस विश्व युद्ध के बाद और क्या हुआ, तो हमें दिखाई देता है कि 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इससे पहले पहले के जो जितने भी युद्ध हुए गए, जो भी युद्ध की प्रवृत्तियाँ थी, वो प्राय एक सीमित थी, एक सीमित प्रणाली तक सीमित थी। लेकिन अमेरिका द्वारा परमाणु शस्त्रों का प्रयोग जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया, इससे शेष विश्व के देशों में एक बहुत बड़ा खौफ और भय पैदा हुआ, क्योंकि अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाना विश्व के अन्य देशों का भयभीत होना शुरू हो गया। उनको लगा कि अब अमेरिका के पास परमाणु बम है, हमारे पास भी होना चाहिए। और आप देखेंगे कि इस प्रकार से अविश्वास का भाव, अविश्वास का एक विचार पैदा हो गया, जो एक प्रकार से परमाणु शस्त्रों की होड़ में, परमाणु शस्त्रों की दौड़ में एक प्रकार की नवीनता और उसका एक प्रारंभ माना जाता है। ये स्वाभाविक है, जब किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ हो जाती है तो दूसरा उसे प्राप्त करने की कोशिश करेगा कि मेरे पास भी होनी चाहिए, ताकि मैं उसको काउंटर कर सकूं, मैं उसको संतुलित कर सकूं। तो आप देखेंगे कि अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद दुनिया के प्रमुख देशों में एक प्रकार से परमाणु शस्त्रों की प्राप्ति के लिए होड़ मच गई, उसको प्राप्त करने के लिए उसमें अपने संसाधनों को खपाना शुरू कर दिया। तो कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में परमाणु युग का सूत्रपात हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु शस्त्रों का निर्माण करना और उसमें नवीनतम तकनीक का इजाद करना एक प्रकार से प्रारंभ माना जाता है। बात स्पष्ट हुई, ये एक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की प्रमुख घटना के रूप में हमें देखते हैं। अगला हम देखते हैं एशिया एवं अफ्रीका का जागरण। देखिए, हम सभी को पता है कि एशिया और अफ्रीका की जनता या एशिया और अफ्रीका के देशों को तीसरी दुनिया के नाम से संबोधित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और यह भी पता है कि इन तीसरी दुनिया के देशों पर यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव था, यूरोपीय उपनिवेश बने हुए थे। जो भी यूरोपीय शक्ति थी वो सब एशिया और अफ्रीका के देशों में अपना प्रभुत्व जमाए हुए थी, कई वर्षों से, 100 साल 200 साल तक लंबे लंबे टाइम से इन लोगों ने अपना प्रभुत्व, अपना उपनिवेश, अपनी साम्राज्यवादी स्थिति को बनाए रखने पर इन पर पूरा पूरा नियंत्रण कर रखा था। लेकिन इन उपनिवेशों के अंदर रहने वाली जनता, एशियाई अफ्रीकी जनता ने जब ज्ञान तकनीक का विकास हुआ, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई और नवीनतम उन्होंने जब एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखा तो यहाँ के लोगों के मन में एक स्वतंत्रता के बीज अर्थात स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ। इन एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों ने ये
तय किया कि अब हमें किसी प्रकार से किसी यूरोपीय शक्ति के अधीन नहीं रहना है, हमें स्वतंत्र होना है। तो स्वतंत्र होने के लिए एक लंबे समय से अनवरत रूप से वहाँ पर ये स्वतंत्रता अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए। राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए तो ये किसी भी स्थिति में यूरोपीय शक्तियाँ नहीं चाहती थी कि हम इनको स्वतंत्र करें, क्योंकि उनको पता था कि उनके हितों की पूर्ति हो रही है, उनके लिए कच्चा माल प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा है जो उनके पास नहीं है। तो अपने आर्थिक राजनीतिक हितों के लिए वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम इनको स्वतंत्र करें। बहुत ही लंबे काल तक इन्होंने इनका शोषण किया, लेकिन राष्ट्रवादी भावना या फिर उनके राष्ट्र में जिस प्रकार से स्वतंत्रता के प्रेम प्रति जो ललक थी, उस ललक के लिए वो बड़े उत्साही होकर इन राष्ट्र अर्थात एशिया अफ्रीकी देशों में स्वतंत्रता आंदोलन पुरजोर ढंग से इस यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध खड़े हो गए। तथा अंग्रेजी शिक्षित समुदाय जो इन सभी स्वतंत्रता आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा था, उन्होंने भी जब इस प्रकार के स्वतंत्रता समानता के जो विचार पढ़े समझे तो उनको भी महसूस हुआ कि क्यों ना इन यूरोपीय देशों की तरह हमारे यहाँ भी स्वतंत्रता हो, हम किसी के गुलाम क्यों रहें। तो आप समझ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों का आविर्भाव हुआ, कई राज्य स्वतंत्र हुए, और उसमें एक जो मैंने आपको पहला जो एक प्रवृत्ति बताई थी कि यूरोपीय प्रभुत्व का अंत हो रहा था, अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इन यूरोपीय देशों का ऐसी कोई ताकत नहीं रही कि एशिया और अफ्रीका के जो उपनिवेश थे अपने उनको बनाए रखें, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से बेहद कमजोर हो चुके थे, स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम नहीं थे, बाहरी सहायता पर निर्भर थे। तो सोचो आपके इन एशियाई अफ्रीकी देशों को कैसे वो संभालेंगे। तो उनके स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण ये कारण भी बनता है कि इन यूरोपीय देशों की स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी, इस वजह से इनको धीरे 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 करके एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों को उन्होंने स्वतंत्र करना शुरू कर दिया गया। तो आप देखते हैं कि 1950 के दशक के बाद से या फिर इसके बाद से अनवरत रूप से दुनिया के कई देश धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर उन्मुख हो रहे हैं, अर्थात कह सकते हैं कि संप्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि होनी शुरू हो गई। संप्रभु राज्य मतलब इन एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों को जो यूरोपीय शक्तियों ने अपने गुलाम बना रखे थे, धीरे धीरे करके इन सभी राज्यों को अब स्वतंत्र करना शुरू कर दिया गया था, स्वतंत्र और साथ ही साथ पूर्ण संप्रभुता प्रदान कर दी, अर्थात आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में बिल्कुल वो स्वतंत्र हो गए कि जिस प्रकार से जो भी अपने निर्णय करना है, नीति बनानी है, वो अब इन यूरोपीय शक्तियों पर निर्भर नहीं रहेंगे, अपने भविष्य का निर्माण खुद करेंगे, इस प्रकार से स्वतंत्रता प्रदान शुरू कर दी। तो आप देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे में कई नवोदित राष्ट्रों का आविर्भाव होता है, नए राष्ट्र स्थापित होते हैं, तथा कई बड़े विशाल राष्ट्र टूटकर कई अलग अलग राष्ट्रों का समूह बनकर तैयार सामने आते हैं या मानचित्र पर अपनी स्थिति दर्ज कराते हैं। तो समझ सकते हैं कि इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ विश्व के राजनीतिक और भौगोलिक मानचित्र में, कि एशिया और अफ्रीका के अंदर कई बड़े बड़े स्वतंत्र राष्ट्र का स्थापना होनी है, तथा उन राष्ट्रों की संख्या में भी भारी वृद्धि हो रही है, अर्थात ये सभी गुलामी से मुक्त होकर अब अपना स्वयं भाग्य निर्माण के लिए खड़े हैं। तो ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखा कि एशिया और अफ्रीका के देशों से यूरोपीय शक्तियों का प्लान और नवीनतम स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो रही है। अगला हम देखते हैं साम्यवाद का विस्तार। देखिए, हम सभी को पता है और पढ़ा भी है कि जो कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद, कम्युनलिज्म अर्थात कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, हम देखते हैं कि लगभग 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में जो सोवियत संघ में हुई थी, उसके बाद से धीरे 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 1949 में चीन, वियतनाम, कोरिया, क्यूबा, वेनेजुएला, ऐसे कई राष्ट्र हैं जहां पर इस साम्यवाद का विस्तार होता जा रहा है। तो ये अमरीकी अर्थात पूंजीवादी उदारवादी अर्थव्यवस्था वाले विचारधारा वाले देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा था,
उनको ऐसा यकीन हो रहा था कि धीरे धीरे साम्यवाद अपने पैर पसार लेगा तो हमारी पूरी पूरी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये समाप्त हो जाएगी, उदारवादी विचारधारा समाप्त हो जाएगी, उसके लिए खतरा महसूस हुआ। फिर भी समझ सकते हैं कि 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद में जो सोवियत संघ में जो जिस प्रकार से नवीनतम जो एक प्रवृत्तियां हमें जो दिखाई देती हैं, जिस प्रकार से दुनिया जब 1930 के दशक में आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, तो दूसरी तरफ देखते हैं कि सोवियत संघ जैसा देश इस साम्यवादी विचारधारा को अपनाने के बाद में वो तीव्र गति से विकास भी कर रहा था, तो पूरी दुनिया का ध्यान उसकी तरफ केंद्रित हो रहा था कि बेहतर साम्यवादी विचारधारा इसको अपनाया जाए। तो ये पूंजीवादी राष्ट्रों को बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा था कि किस प्रकार से धीरे होते 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 ये दुनिया में और भी फैल गई, तो हमारी विचारधारा को बहुत बड़ा खतरा होगा और हमारी पूरी पूरी इस व्यवस्था को, सिस्टम को खतरा महसूस होगा। इससे कैसे निपटाया जा सके, किसे इसे बचा जा सके, इसके लिए उन्होंने कई प्रकार से इन यूरोपीय शक्तियों ने, साथ ही साथ अमेरिका जैसी शक्तियों ने इस साम्यवाद को रोकने के लिए भरसक प्रयत्न भी किए। आगे जो घटनाक्रम होता है, आगे की अपन घटनाओं के इंक्लूड उसके साथ जोड़ के बताएंगे, लेकिन समझ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के समक्ष बहुत बड़ा एक विचारधारा के रूप में, आइडियोलॉजी के रूप में कोई बड़ा प्रभाव में दिखाई देता है, तो वो है साम्यवाद का विस्तार। साम्यवादी विचारधारा का जो क्षेत्रफल में सोवियत संघ बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र था और आज भी उसको उत्तराधिकारी जो रशिया है वो भी आज भी सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राष्ट्र वाला देश है। तो आप देखिए सोवियत संघ, चाइना, इसके अलावा दुनिया के छोटे छोटे देश भी उसकी तरफ, हम ये भी समझते हैं कि जो द्वितीय विश्व के बाद में जो पूर्वी यूरोपीय देश हैं वो भी साम्यवाद के विस्तार के अंदर समाहित हो रहे थे। तो धीरे 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 समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ा एक प्रकार से साम्यवादी विचारधारा का भी प्रचार प्रसार हो रहा था। ठीक है।